शाउट आउट टू शिव शक्ति अग्रवाल और संजय जोशी। एक जीत और एक उतनी ही बुरी हार के बाद आज हम खेलने जा रहे हैं आईपीएल का एल क्लासिको। और आईपीएल का एल क्लासिको वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन एक और चीज है जो इस मैच को और इंटरेस्टिंग बनाती है कि दोनों टीम्स के लिए यह मैच एक मस्ट विन मैच है। तो फाइट दोनों टीम्स की तरफ से बहुत तगड़ी होगी। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों को भी शाउट आउट मिले जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा, तो वीडियो को देखना लास्ट तक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में या तो अपना बेस्ट शॉट जो भी पूरे मैच से लगा या फिर इस गेम से रिलेटेड अपनी प्रेडिक्शंस डाल देना। और नेक्स्ट वाले वीडियो में किन्हीं दो रैंडम सब्सक्राइबर्स को मैं शाउट आउट दूंगा। तो अभी और देरी ना करके फटाफट से एल क्लासिको शुरू करते हैं। टॉस की तरफ चलते हैं। बारिश है थोड़ी सी, आई होप आज बारिश ना आए और इतने तगड़े मैच को खराब ना करके जाए। रोहित होम कैप्टन है और हम टॉस जीत गए हैं। चेस करेंगे हम, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था। सेम प्लेइंग 11 है, मुंबई इंडियंस के अंदर सिर्फ नेथन कुटलायर आ गया। फील्ड सेट है, दीपक चहर तैयार है, रोहित शर्मा ऑन द स्ट्राइक, पुल कर दिया है पहली बॉल पे चौका। कप्तान साहब बिल्कुल खुश नहीं है। क्विंटन डीकॉक और क्या ये एज लग गई यार। इस गेम ने सारी एजेस मेरे ही खाते में डाल रखी हैं। नाइस। क्या ये आउट है, क्या ये आउट है, आई डोंट नो, ये आउट है। ऐसा पहला विकेट मिलेगा मुझे नहीं पता था। एंड दैट इज आउट। यू गॉट अ फील सैड फॉर क्विंटन डीकॉक, बट अ विकेट इज अ विकेट। क्या यहाँ पे रोहित शर्मा का विकेट मिल सकता है, क्या इन स्विंगर थी यार ये। स्काई का विकेट, सॉरी रोहित शर्मा तो स्ट्राइक पे भी नहीं। कैच इट नहीं, मेरे को लगा उछल के कैच करने की कोशिश तो करेगा लेकिन उसने दिया तक नहीं मेरे को। एक और गुड लाइन डिलीवरी, शॉट बनाया और क्या शॉट मारा यार। चार एक ही टप्पे को पकड़ के बॉलिंग कर रहा है एंगिडी। और ये देखो उसका, अरे यार ये रन आउट हो सकता था। फोर्सफुल चेंज ऑफ प्लान्स लाना ही पड़ा मेरे को ठाकुर को, क्योंकि तीनों बॉलर्स का स्टैमिना ही जा चुका है। चौका तो नहीं होना चाहिए, फील्डर है मेरा वहां पे और इसी के लिए ही खड़ा किया था। एक और है यार, एक और चौका। 50 पार्टनरशिप भी हो गई यार इसी चौके के साथ। एक और शॉर्ट बॉल, इस बार रोहित ने उठा दिया है और इसी के लिए ये फील्डर लगाया था मैंने, लेकिन बीट कर दिया उसको। प्रेशर। एक और शॉर्ट बॉल, सैम करन भी गिव अप नहीं कर रहा है, शॉर्ट बॉल दे रहा है वो भी रोहित को। एक और शॉर्ट बॉल और एक और चौका। बहुत ज्यादा बाउंस है यार पिच में, भयंकर बाउंस है। गुडलैंड डिलीवरी वाइड हो रही है बाउंस की वजह से। जड्डू कम ऑन, वी नीड अ विकेट भाई, इस ओवर में एक विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। नहीं यार नहीं, यही दिक्कत होती है जब बैट्समैन सेट हो जाते हैं। बैकफुट से खेल रहा है मेरी बॉल्स को और इतने आसानी से खेल रहा है। अरे जस्ट देन, लेट्स गो मोइन, लेट्स गो। इस ओवर में एक विकेट, क्या ये रन आउट होगा। यस, मिल गई विकेट। भले ही रन आउट के चलते आई हो लेकिन विकेट इज अ विकेट। आउट कौन हुआ ये देखना मेरे को। क्या ये, नहीं ये स्काई है शायद, आई थिंक ये स्काई है। पर पहली बात तो ये थर्ड अंपायर के लिए गया ही क्यों है। रोहित शर्मा गया, बहुत 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 ज्यादा अच्छा ओवर गया ये। रोहित का विकेट और ज्यादा रन भी नहीं है इस ओवर में यार। बोलते क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। सूर्य कुमार सामने है मोइन अली और क्या विकेट मिल पाएगा, नहीं चौका हो जाएगा और इसी के साथ इसकी 50, वेल डिजर्व्ड 50। रैपिडली रीचिंग 50 सुपर बैटिंग, 9 चौके 176 की स्ट्राइक रेट। स्लिप्स आ गई है, आउट है ये। रिव्यू नहीं लूंगा मैं, पर
फिगर जरूर देखना चाहूंगा मैं। मेरे को एक वक्त के लिए लगा प्लम है, लेकिन शायद या तो इम्पैक्ट बाहर है। यस, और ये बाउंस ने इतना परेशान किया ना यार। गुडलैंड डिलीवरी है ये। क्या जड्डू अपना विकेट का खाता खोल पाएंगे? क्या बॉल डाली है! कमान जड्डू कमान, एक विकेट, एक और विकेट और हम गेम में वापस। एक और विकेट आती हुई, पर ये कैच हो जाए तब बोलूंगा मैं ऐसा, क्योंकि ये बहुत तेज कैच आ रहा है। एंड ड्रॉप लगा था यार। तो ये शॉट ये लोग कैसे खेलते हैं, मुझे मेरे बल्ले से तो नहीं निकलते ये शॉट्स। क्या ये, प्लीज पकड़ लियो इस बार प्लीज। यार ये कितना मुश्किल कैच है, कितना ज्यादा मुश्किल है ये। एक और बार, मैं फील्डर बदल रहा हूँ यहाँ पे। अब एक ही ओवर में दो मौके गवाए यार, दो मौके किनको कहते हैं। एक और चौका, ये क्या शॉट है! पहली बात तो ये मुझे शॉट समझाओ कोई, पहली बार देखा मैंने ये शॉट। मोइन का लास्ट ओवर है ये। कैच यार, ये कैच हो सकती थी, इन दोनों की भी 50 पार्टनरशिप हो गई है और इतनी जल्दी हुई है। ये लो एक और चौका, स्काई अपनी 80s में पहुंचता हुआ इसी के साथ में। कैच करेगा कौन, फील्डर ही नहीं है वहां, पर ये आउट हो सकता है और ये आउट होना भी चाहिए और ये आउट है। यार अगर ये एक और रन हो गया ना तो फिर मतलब, अरे बच गया एंड स्काई इज आउट, इजी वी गॉट हिम। आज सारे विकेट रन आउट के चलते आए हैं और जो कैच आए वो तो छोड़ दिए। दीपक चहर का स्टैमिना 0% है, वो ऐसा क्या कर रहा है। सैम करन को ही बुलाना पड़ेगा वापस। अरे जाने दे, चौका ही है ये, कोई मतलब ही नहीं है इसको रोकने से। और पांड्या को अगर ऐसी शुरुआत मिल जाए कौन ही रोक सकता है फिर उसको। यहाँ पे एक और विकेट, ऑलरेडी 162 बना चुके हैं और ये एक और हाई स्कोरिंग एल क्लासिको होने वाला है। धोनी भैया पकड़ो 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 एंड ही इज आउट। फाइनली एक और ब्रेक थ्रू मिलता हुआ और सैम करन वही करते हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आई नो इनका स्टैमिना नहीं है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वाइड यॉर्कर और सक्सेसफुल। क्या मैच हुआ है यार ये, क्या मैच हुआ। इसमें कैचेस ड्रॉप हुए हैं, क्रीज के बाहर खड़े होकर रनआउट्स हुए हैं, पावर हिटिंग देखने को मिली है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जाओ लाइक करो फटाफट से। और सेकेंड इनिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लॉन्ग ऑन खाली है और उरे नहीं, अबे यार ये वाले जो कैचेस होते हैं ना यार, ये मेरे से तो वैसे ही मिस होते हैं और एआई कभी नहीं छोड़ता इनको। ग्राउंडेड खेला था मैंने, टॉप ऑफ द बैट लगी और ये लास्ट सेकंड में कैच किया है इसने। सो बेसिकली शुरुआत तो दोनों टीमों की एक जैसी हुई है, बस हमारी टीम में कोई क्रीज से बाहर खड़े होकर आउट नहीं हुआ है। बढ़िया शॉट यार, और ये एक और चार रन, मारना कहीं और चाह रहे थे लेकिन बॉटम एज लगी और मिला चार रन। एक और शॉट यार, क्लास थी इसके अंदर मोइन अली की। एक बार यहाँ देखो क्या किया रोहित शर्मा ने, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी है और वहां खाली पड़ा है। ओए विकेट पे नहीं, विकेट पे नहीं, बच गया बच गया। शॉर्ट बॉल कमजोरी तो नहीं है फाफ डुप्लेसिस की, और ये चौका बटोर लिया है। एक और एज लगी है इस बॉल पे भी, लेकिन ताकत इतनी थी कि पहुंच गई बाउंड्री तक। मोइन इस बॉल पे हमें चौका चाहिए रन रेट मेंटेन रखने के लिए, और गैप से तो निकाल लिया और ये चार रन भी हो जाएंगे। मिल गया चौका और 10 की रन रेट मेंटेन है अभी भी, कमेंटेटर की स्टाइल में चेंज ऑफ बॉलिंग। अबे साले पहली बॉल शॉट और ये आउट। कैसी लगी? आगे यार एक और नहीं, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। डुप्लेसिस गायकवाड़ मोइन अली पावर प्ले के बाद हमारे साथ हैं तो नहीं, पर रायना है और पहली बॉल पे चौका निकाल लिया है। कप्तान साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है, मोइन के साथ रहने के नतीजे हैं ये सारे। पैडों पे गेंद लग रही है जो जानी चाहिए डायरेक्ट बाउंड्री पे,
अगर अभी जो मैंने बोला बिल्कुल समझ नहीं आया, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है, वो देख लेना इस वीडियो के बाद में। और ये निकल गई और ये फील्डर को और सबको बीट करके सीधा चली गई बाउंड्री के लिए। एक पांड्या गया, दूसरा पांड्या इन टू द अटैक। ओहो, थैंक यू वाइड, और उसी के साथ में चार रन। ऐसे ही रनों की तो जरूरत है हमें। 50 पार्टनरशिप इज अप ऑन द बोर्ड। वाइड हेलो अंपायर वाइड, अबे दी नहीं, इन द एयर, क्या ये गैप में है? अबे नहीं, ओह शिट, इसको अगर ये ग्राउंडेड खेल देता तो ये चौका हो जाता यार, कनेक्ट ढंग से नहीं हुई। सरप्राइज ना जडेजा ना धोनी ना ही सैम करन ठाकुर को लेके आया हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि धोनी को इतनी जल्दी लाना मेरे को सेंसिबल लग नहीं रहा था, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेरे को रखना है अभी। और पहली बॉल पे बता दिया कि क्यों रखी थी। एक और एंड इट्स इन द एयर, और वन बाउंस चार रन, पता था कि वहीं पे आने वाली है, और गुड लेंथ डिलीवरी ही आएगी। और एक और बार सेम ही जगह पे 3/4 बैक टू बैक, रोहित शर्मा समझाने आए हैं कुछ, तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट बॉल पे, समझाने का कुछ तो फायदा हुआ है। चलो चौके दो रन काट लिए, क्या समझा के गया भाई रोहित ऐसा, उसको बॉल उधर ही है लेकिन वेरिएशन अच्छी कर रहा है अब। एंड वन बाउंस टू बाउंस ग्राउंडेड एन एफ फोर, बहुत ही घटिया कमेंट्री थी लेकिन शॉट उससे कई ज्यादा अच्छा था ये। क्रुणाल पांड्या बैक इनटू द अटैक, सामने है शार्दुल ठाकुर और ड्रॉप्ड, एक और चौका, बढ़िया टाइमिंग थी, शॉर्ट चॉइस तो आइडियल दिखा रहा है। अरे मेरे से गलती से मिस हो गई, नहीं यार कोई बात नहीं, पहले भी रैना मार चुका है, अब वो वाला सेलिब्रेशन देखो, 50 भी हुई है, वेल डिजर्व्ड 50 यार। स्ट्राइक रेट की तरफ नजर डालो एक बार, 217 की स्ट्राइक रेट, लगा ही था मेरे को, लगा था। दो लेफ्टी हैं अब मैदान पे, सैम करन आ चुके हैं, ये क्या शॉट है भाई, लेकिन चार रन तो दे के जाएगा कैसा भी शॉट हो। फिर आ गया यारी समझाने, ये जब कुछ समझा के जाता है रन कम हो जाते हैं मेरे, राहुल चेयर का स्टैमिना ही नहीं है। ये देखो अगली ही बॉल पे एक भी रन नहीं, डॉट गेन, हो व्हाट एन एल क्लासिको यार, 51 नीडेड ऑफ 30, नहीं, बच गया। चलो फाइनली कनेक्ट हुई है बिना किसी एज के, और दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है, तो भले ही स्लो आउटफील्ड हो, या तो हम चार काट लेंगे या फिर चार हो जाएंगे। क्या ये 5 रन हो सकते हैं, भाग तो मैं गया हूँ, मेरे को पता भी नहीं है चौथा है पांचवा है, कितना हुआ, शायद मैंने 5 रन काट लिए थे। बुमराह को लेके आए हैं और पहली बॉल पे चौका, इन द एयर एंड इट्स इन द गैप ऑल्सो, इधर डबल आना चाहिए, बहुत ही खराब शॉट खेला है ये। एक और 50 पार्टनरशिप, ओए ये कैसा शॉट है यार, चौके के लिए नहीं गया लेकिन शॉट बहुत बढ़िया था। चार रन चाहिए, क्या इस बॉल पे खत्म कर पाएगा राणा, नहीं दो आ जाएंगे, नेक्स्ट बॉल पे देखते हैं। बहुत दूर रह गया था रैना, बहुत ज़्यादा दूर रह गया था यार, ख़त्म करके जाता है यार मैच। 81 की पारी, पहली बॉल पे आते ही गेम ख़त्म कर दिया, एंड दैट इज़ इट फ्रॉम दिस एल क्लासिको। काफ़ी ज़रूरत थी इस जीत की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे लगा था एक बार के लिए कि गेम पलट गया है और मुंबई के फेवर में जा चुका है, लेकिन नहीं, रायना के प्लान्स कुछ और थे, हमारे प्लेयर ऑफ द मैच है और ज़रूर है, 81 ऑफ जस्ट 41 डिलीवरीज, व्हाट अ नॉक यार। और राउंड 3 के ख़त्म होने के बाद में टेबल टॉप के अंदर वापस हमने हमारी पोजीशन बना ली है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, फटाफट से जाओ लाइक का बटन दबा दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, तो चैनल के ऊपर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो,
और हाँ, चैनल के ऊपर नया आए हो और IPL के बाकी सारे मैचेस देखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेलिस्ट आ रही है, और अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर रहना है क्योंकि अगले हफ्ते एशिया कप का सेमीफाइनल, तो राइट हैंड साइड में एशिया कप की भी प्लेलिस्ट आ रही है। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अगली वाली वीडियो के साथ में। अंटिल देन, गुड बाय।